हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे शॉर्ट सर्किट के बारे में। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 7। आज का जो वीडियो है वो क्लास 7 के लिए है। और आज की वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए ओवरलोडिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि घर में कई बार ओवरलोडिंग हो जाती है। मतलब क्या होता है, फ्यूज और न्यूट्रल वायर के आपस में अटैच होने के कारण शॉर्ट सर्किट होता है और एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो क्या होता है, लाइव वायर यानी कि फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर, तो यानी कि जिसका सिग्नल होता है एन, और लाइव वायर जिसे फेज वायर बोला जाता है जिसका सिग्नल होता है पी, और पी और एन जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। यानी कि द प्रोसेस इन विच द लाइव वायर और फेज वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज टोटली डायरेक्टली अटैच, ठीक है, एंड द करंट जो फ्लो होती है वो एक्सेस करंट फ्लो होने लग जाती है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। यानी कि शॉर्ट सर्किट होने का डेंजर जोन तो बना ही रहता है, वो खतरा नहीं। अगर फ्यूज वायर या एनसीबी का उपयोग नहीं किया गया है घर में, तो आपके घर में उपयोग किए जाने वाले जितने भी अप्लायंसेज है वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में ओवरलोडिंग राहुल सर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज के वीडियो क्लास 7 के लिए है। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें राहुल सर का ऑनलाइन साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। लेट्स कम होता टॉपिक, ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग का है शॉर्ट सर्किट, राहुल सर ने बताई दिया था। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट इन दीज डेज द फ्यूज वायर और एमसीबीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर इन आवर हाउस होल्ड, ठीक है, इन आवर हाउस होल्ड, ठीक है, इन और लिख लीजिएगा उसमें लास्ट में इन आवर हाउस होल्ड अप्लायंसेज। ओवरलोडिंग की बात करें कि ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है, ओवरलोडिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि होता क्या है, वही एक्सेस करंट का फ्लो होना होता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब हाउस की बात करें या अदर बिल्डिंग्स की बात करें, जो वायर्स होते हैं वो वायर को प्रोटेक्ट कौन करता है, फ्यूज करता है। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग जब होती है, ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब फ्यूज वायर ब्लो या कट ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से, ठीक है। तो यानी कि इसमें ओवरलोडिंग क्या है कि होता क्या है कि लार्ज करंट जब हाउस होल्ड में सर्किट में बहने लग जाती है, इसे ओवरलोडिंग बोला जाता है। यानी कि आप लिखिएगा, मैं हिंदी में बोल कर आपको समझाया था, आप इंग्लिश में मैं ही ट्रांसलेट करके आप लोगों को लिखवाऊंगा। लिखिएगा व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, व्हेन इसमें लिखिएगा ज्यादा ज्यादा, और राहुल सर के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, व्हेन टू टू मेनी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल electrical इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज electrical इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ठीक है, आर कनेक्टेड आर कनेक्टेड, ठीक है, टू ए सिंगल सॉकेट, टू ए सिंगल, ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है आप लोगों के, आपके आई थिंक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी तीन चैप्टर आपके चार चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं राहुल सर, थ्री चैप्टर्स तो आई थिंक टोटली हैव कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर, ठीक है। और भी अगर रह जाएगा तो आपको जरूरी है कि इन वीडियोज में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है आपको लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम हो, करंट वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, लास्ट की प्रीवियस वीडियो में हो, एक महीने पहले की वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप घर पे रहिए और इनको पढ़ते रहिए। मैं हर बार कहता हूं कि स्टे एट होम सेफ एट होम और पढ़ते रहिए। आप पढ़ोगे नहीं तो पूछोगे कहां से, ठीक है। सॉकेट कॉमा लगा करके लिखे दे, ठीक है, टी एच में दे ड्रॉ टी ए डी आर ए डब्ल्यू दे ड्रॉ, ठीक है, होगा क्या, जो एक्सट्रीमली लार्ज करंट है वो हाउस होल्ड सर्किट में बहने लग जाएगी। दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली ई एक्स टी आर ई एम ई एल वाई एक्सट्रीमली, ठीक है, लार्ज करंट एल ए आर जी ई लार्ज करंट सी यू डबल आर ई एन टी लार्ज करंट, ठीक है, फ्रॉम द हाउस होल्ड, ठीक है, फ्रॉम द हाउस होल्ड एच ओ यू एस ई हाउस होल्ड एच ओ एल डी, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है, क्लियर है, फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट, ठीक है, सी आई आर सी यू आई टी, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। हाउस होल्ड सर्किट के बाद बात करें, जो ये राहुल सर ने ये लिखवाया आप लोगों को कि वैन, ठीक है, वैन, ठीक है, टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, एक से ज्यादा जो अप्लायंसेज है वो कनेक्टेड होते हैं सिंगल सॉकेट से, तो होता क्या है, एक्सट्रीमली करंट फ्लो होने लग जाती है, इसे ही ओवरलोडिंग। भैया थ्री पिन लगा दी, थ्री पिन में टू पिन भी लगा दी, मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है ना, एक्सटेंशन कॉर्ड लगी हुई है, ट्यूबलाइट का एलईडी लाइट का प्लग लगा हुआ है, ठीक है, आपके टीवी का प्लग लगा हुआ है, उधर ही आपने स्पीकर का प्लग लगा दिया, उधर ही दूसरे मोबाइल का चार्जर लगा दिया, तो एक ही पिन में आपने अगर पांच आपने एक से ज्यादा यानी कि तीन या चार अप्लायंसेज लगाए हुए हैं, तो वो
क्या ओवरलोडिंग नहीं होगी क्या शॉर्ट सर्किट पे, यानी कि उस सिंगल सॉकेट पे क्या हो गई, ओवरलोडिंग होगी, और उसे ही ओवरलोडिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ओवरलोडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन, अब आया समझ में, यानी कि एक सिंगल सॉकेट से आपने तीन चार सप्लाई ले ली, एक से ज्यादा एक ही सप्लाई के लिए वो सिंगल सॉकेट बनी थी और आपने उसे एक्सेस तीन या चार, मोबाइल का चार्जर हुआ, स्पीकर हुआ, ठीक है, एलईडी लाइट का हुआ, ठीक है, और आपने हेयर ड्रायर का लगा लिया, तो कई सारी अप्लायंसेज आपने लगा लिए, तो वो क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी। दिस इज नॉन, आगे लिखिएगा, दिस इज नॉन KNOWN, दिस इज नॉन एच ओवर OVER ओवरलोडिंग, इसे ओवरलोडिंग बोला जाता है, LOADING, इसे ही ओवरलोडिंग बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, द फ्लो ऑफ लार्ज, आगे लिखिएगा द फ्लो ऑफ, ठीक है, द फ्लो ऑफ लार्ज, LARGE, द फ्लो ऑफ लार्ज करंट ड्यू टू ओवरलोडिंग, करंट CURRENT, करंट, ठीक है, ड्यू टू, ठीक है, ओवरलोडिंग, OBERLOADING, ओवरलोडिंग मे हीट, ये क्या कर देते हैं, मे हीट, HEAT, मे हीट द कॉपर, COPPER, तो मैंने यहां पर लिखवाया फुल स्टॉप के बाद, द फ्लो ऑफ लार्ज करंट, लार्ज करंट के एक्सेस फ्लो होने से ड्यू टू ओवरलोडिंग के कारण क्या होगा, कॉपर वायर क्या होगा, घरों में यूज में आने वाला कॉपर वायर गर्म हो जाएगा, कॉपर वायर्स, ठीक है, ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग, HOUSE, हाउस होल्ड, HOLD, हाउस होल्ड वायरिंग, WIRING, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, TEMPERATORE, टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड अ फायर मे बी स्टार्टेड, ठीक है, आग लगना भी स्टार्ट हो जाता है, एंड, ठीक है, अ फायर, FIRE, एंड फायर, ठीक है, मे बी, ठीक है, अ फायर मे बी स्टार्टेड, STARTED, आग लगना भी स्टार्ट हो जाता है। अब आप को मैं इसके अवॉइडेंस के बारे में लिखवाऊंगा, ठीक है, सो फुल स्टॉप के बाद लिखें सो, ठीक है, ये थ्योरी आप लोगों को लिखनी है, व्हेन अ हाउस, सो व्हेन अ हाउस, HOUSE, हाउस, और सम अदर बिल्डिंग्स, क्या होता है, कुछ मकान, ये खुद मैं राहुल सर खुद बना करके लिखवा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए प्लीज टेक इट सीरियसली ले इन्हें, ठीक है, होगा क्या, इज वायर्ड, उनमें वायरिंग लगी होती है, इज वायर्ड, ठीक है, वायर्ड, आगे लिखिएगा द वायरिंग, कॉमा लगा करके लिखिएगा द वायरिंग, WIRING, द वायरिंग होगा क्या, इज प्रोटेक्टेड बाई फ्यूज, इज प्रोटेक्टेड PROTECTED, प्रोटेक्टेड बाय किसे, फ्यूजेज, FUSES, फ्यूजेस, तो आगे देखिए, व्हेन आर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, जब शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग होगी, व्हेन आर शॉर्ट सर्किट, CIRCUIT, ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, OBERLOADING, व्हेन आर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, तो होगा क्या, ऑक्योर्स द, ठीक है, अगर ये हो गई, ठीक है, तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनिएगा, जो फ्यूज वायर होता है वो ब्लोज ऑफ, कट ऑफ हो जाएगा, ब्लो बुझ जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा, कहने का मतलब था, फ्यूज, FUSE, फ्यूज वायर होता क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, स्कूल्स की बात करें, मेडिकल डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल्स की बात करें, तो फ्यूज वायर लगे ही होते हैं, तो वहां पर महंगे महंगे अप्लायंसेज होते हैं, काफी एक्सपेंसिव अप्लायंसेज होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज वायर का यूज किया जाता है, तो क्या होगा, फ्यूज वायर ब्लोज ऑफ, कटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, ब्लोज ऑफ, BLOWS, AB वाला भी, BLOWS, ब्लोज ऑफ, OFF, कटिंग, CUTTING, कटिंग ऑफ, OFF, कटिंग ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है, हो गया, आगे लिखिएगा, दिस प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, यहां पर आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे खत्म होता है, ठीक है, अब आपको MCB का यूज बताएंगे और फ्यूज वायर का यूज भी आप लोगों को पता ही है, फ्यूज वायर किस तरीके से होता है, ठीक है, आप लोगों को डायग्राम बना करके बता देता हूं, तो यहां पर लिखिएगा फ्यूज, ब्रैकेट हेडिंग डालिएगा, फ्यूज यूज्ड, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में फ्यूज जो यूज किया जाता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ANCES, यानी कि फ्यूज, मैंने हेडिंग डलवाई है, फ्यूज, FUSE, फ्यूज,
यूज्ड, USED, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में काम में आने वाला फ्यूज किस तरीके से होता है, ठीक है? तो देखिए जो फ्यूज होता है वो कॉस्टली होता है, ठीक है? और ये किसको बना होता है, ये आपके जो ग्लास ट्यूब एक वेरी थिन फ्यूज से ये बना हुआ रहता है। तो इसमें लिखिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ, एट, ठीक है, कंसिस्ट, इट कंसिस्ट, मैं डायग्राम भी बताऊंगा, इट कंसिस्ट, CONSISTS, इट कंसिस्ट, ठीक है ना, आगे लिखिएगा ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, ऑफ अ ग्लास, GLASS, ऑफ अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब होती है इसके अंदर, ऑफ अ ग्लास ट्यूब, मैंने यहाँ लिखवाया, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन फ्यूज, ठीक है, HAVING, हैविंग इसके अंदर। अभी आपको डायग्राम बना करके जब राहुल सर बताएंगे ना, तो पूरा ही आप लोगों के मैटर क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन, ठीक है, वायर, थिन फ्यूज वायर, फ्यूज वायर सील्ड, SEALED, थिन फ्यूज वायर सील्ड, SEALED, सील्ड इनसाइड, INSID, इनसाइड इट, इसके अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। आगे लिखिएगा द, मैं नेक्स्ट पेज पर बात करूं, आगे ये पेज ऑलरेडी फुल हो चुका है, ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ थिन फ्यूज वायर, ठीक है, सील्ड इनसाइड इट, इनसाइड इट के बाद लिखिएगा, ठीक है, आगे लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा फुल स्टॉप के बाद द, ठीक है, आगे लिखिएगा द ग्लास ट्यूब, ठीक है, द ग्लास ट्यूब, ठीक है, द ग्लास ट्यूब हैज, HAS, हैज टू, TWO, टू मेटल कैप्स, METAL, मेटल कैप्स, CAPS, मेटल कैप्स, ठीक है, मेटल कैप्स एट एड्स, एड्स टू TWO, टू एंड्स, ENDS, ENDS, ठीक है, और आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द टू, आगे लिखिएगा द टू एंड्स ऑफ द फ्यूज, ठीक है, द टू एंड्स ऑफ द फ्यूज, ठीक है, वायर, WIRE, वायर आर, ठीक है, कनेक्टेड, CONNECTED, कनेक्टेड, ठीक है, टू दीज मेटल कैप्स, मेटल कैप्स, ठीक है, द मेटल कैप्स, आगे लिखिएगा द मेटल कैप्स, METAL, द मेटल कैप्स, CAPS, द मेटल कैप्स, ठीक है, आर फॉर, ठीक है, कनेक्टिंग द फ्यूज, कनेक्टिंग द फ्यूज, ठीक है, कनेक्टिंग द फ्यूज, ठीक है, फ्यूज इन द सर्किट, ठीक है, इन द सर्किट, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आप लोगों को डायग्राम बना करके बताएंगे राहुल सर, ठीक है, देख लीजिएगा डायग्राम किस तरीके से होता है इसका, ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम हो गया इसका, ग्लास ट्यूब, ठीक है, फ्यूज वायर ये हो जाएगा, मेटल कैप, ठीक है, ये भी आपके मेटल कैप, ठीक है, METAL, ये डायग्राम हो गया इसका फ्यूज वायर का, हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जब ये फ्यूज, ये तो इसके नीचे तो लिख रहा हूं मैं, ये फ्यूज, ठीक है, ए करके लिख रहा हूँ, फ्यूज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड इन एन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, APPLIANCES, अप्लायंसेस। अब बी डायग्राम पे आ जाओ, बी वाला भी सेम ही होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, बस सेम टू सेम ऐसे ही बनाना, बस ये जो फ्यूज वायर बीच में से जा रहा है ना, इसको इसको ब्रेक करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है, क्लियर है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक कैसे करोगे, यहां तक आ गया और यहां से यहां चला गया, ठीक है,
तो ये इस पे लिख रहा हूं मैं ब्रोकन BROKEN ब्रोकन फ्यूज वायर, ब्रोकन फ्यूज वायर। इसमें लिखिएगा दिस इज, इसके नीचे लिखिएगा दिस इज, ठीक है, ब्लोन BLOWN ब्लोन अप, दिस इज ब्लोन अप, ठीक है, फ्यूज FUSE, ठीक है, ठीक है। आगे लिखिएगा लुक, ठीक है, लुक एट द ब्रोकन BROKEN लुक एट द ब्रोकन, ठीक है, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर WIR फ्यूज वायर, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद में आपको यूज ऑफ MCB, तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा यूज ऑफ MCB, ठीक है, यूज ऑफ MCB, ठीक है, इन प्लेस ऑफ PLAC इन प्लेस ऑफ फ्यूज, ठीक है। अब आपको ये अगली हेडिंग है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है यूज ऑफ MCB इन प्लेस ऑफ फ्यूज, ठीक है, ये हेडिंग है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ नई ट्रिक के साथ, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।